The GATE and ESE Mechanical Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack Mechanical Engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. The GATE and ESE Mechanical Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack Mechanical Engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। लेट मी नो इन द लाइव चैट। ओके, सो बेसिकली दोस्तों आईसीटी के लिए जो मैं आपको कोर्स कवर करवा रहा हूँ, आज हम इसको फिनिश कर देंगे। ओके, बेसिकली देखिए, मैंने आपको पहले रिलेट किया है कि हमें आईसीटी और ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हम जीएस के छोटे छोटे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, तो उन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज आईसीटी एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे आपको इतना ही मिलता है रिसोर्सेज। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो भी करंट में जो चीजें चल रही है उससे रिलेट करना होता है। ओके, तो जो भी अभी करंट में जो चीजें चल रही होगी उससे आप रिलेट कर लेंगे, सो देट इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए तो सबसे पहले जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा एंड करंटली परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। इन गेट 2020 आई सिक्योर्ड एआर 29 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। इन गेट 2019 आई सिक्योर्ड एआर 478 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। आई आल्सो क्वालिफाई इसरो एंड कोल इंडिया रिटर्न एग्जामिनेशंस एंड हैविंग ए 2 इयर्स ऑनलाइन टीचिंग एंड गाइडिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। So that is my brief introduction, guys. And last year भी हमने काफी सारे interesting videos बनाए थे। Okay, इस same channel पे अगर आप देखेंगे, हमने एक aptitude का gate के paper के 3 दिन पहले एक ऐसा video लिया था जिसमें 780 student plus live थे और हमने काफी बड़ी history create की थी YouTube के ऊपर। Okay, so that is still unbreakable. Okay, so that is the main advantage। अगर हम अच्छे से काम करते हैं life में किसी भी चीज में तो आपको result जरूर मिलता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली दोस्तों आज हम काफी सारी चीजें करेंगे। या ये दोनों जो लेक्चर मैंने आपको कवर करवाए, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। यू कैन फॉलो इट, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए। सो बेसिकली दोस्तों काफी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको बता देता हूँ, अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस चलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है और वैरायटी ऑफ बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। अनअकैडमी पे अगर आपके जूनियर्स कोई भी अनअकैडमी का तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनको कोचिंग करना है, विद कोचिंग तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो अनअकैडमी आइकोनिक। आइकोनिक में आपको क्या होता है, मेंटर वगैरह मिलते हैं, ये सारे बताऊंगा। इन सब में अगर आप कुलदीपन कोड का यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान पे आते हैं। ओके, सिमिलरली दोस्तों आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी ट्रैकर्स एंड ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म्स आपको यहां पे प्रोवाइड होते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों पर्सनल कोच आप ले सकते हैं, जिससे आप 1-to-1 गाइडेंस लेंगे टॉप एग्जामिनेशन एक्सपर्ट से। जो पर्सनल कोच होंगे वो आपके लास्ट ईयर के टॉपर्स होते हैं, जो आपको 1-to-1 गाइडेंस देते हैं। ओके, सिमिलरली दोस्तों अगर हम देखें इसके बारे में आइकोनिक और प्लस, प्लस में क्या होता है कि आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और वैरायटी ऑफ बेनिफिट आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए अनअकैडमी के वैरायटी ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान गिवन है, जो अगर आप इनमें से कोचिंग करना चाहते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ है। अनअकैडमी प्लस के जितने भी सब्सक्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको गेट प्लस, ईएसई प्लस, बार प्लस, इसरो प्लस, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, दिस सब्सक्रिप्शन विल बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। सो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इन सब में अगर आप कुलदीपन कोड का यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ओके,
चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बेसिकली शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर रहने वाला है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिए। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं डेली, वहाँ पे लाइव क्लासेज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती है काफी सारी, तो आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेश जी, साहिल जी। ओके, आइकॉनिक में बस आपको पर्सनल कोच एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारे एडवांटेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। दैट विल बी द वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके चलिए, सो काफी सारे स्टूडेंट्स कल हमने देखा था, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आईसीटी के वेरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। ओके, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी और बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। सो बेसिकली आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर के साथ में आपका आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आईसीटी के जो दोनों पीडीएफ्स है, पीपीटी जो मैंने बनाई है, वो दोनों आपको अनअकैडमी कुलदीप सर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप अनअकैडमी कुलदीप सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके हेल्प से आप कोर्सेज को देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, टीईएल और एनईटी ये वाला जो सबसे पहला हमारा आज का शुरू होगा, ठीक है। तो TEL और NET क्या होता है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन। ओके, तो TEL NET हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, कहीं पे भी हमें रिमोट लॉगिन करना होगा हम TEL NET का यूज करेंगे। जैसे कल हमने देखा था वर्ल्ड वाइड वेब और हमने काफी सारे इंटरनेट की चीजें देखी थी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द TEL NET। आपको इतना याद ना होना चाहिए कि TEL NET एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन करने में काम आता है। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। ओके, श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे अब आएगा आपका SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो इसका मेन मोटो, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये ओनली ये आपका यूज होगा। ओके, ओनली इसका यूज होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हिसाब से। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर ईमेल ओवर द इंटरनेट। तो SMTP का कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे, ये जो SMTP यूज होता है इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे, SMTP का कोई एग्जाम्पल बताएगा क्या, जल्दी से बता दो क्या एग्जाम्पल है इसका, जो ये SMTP प्रोटोकॉल्स होते हैं इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा लाइव चैट में, जल्दी से आंसर आने दो, SMTP का एग्जाम्पल क्या होगा। देखो दोस्तों, दो लेक्चर में मैंने पूरा ICT कंप्लीट कर दिया मैराथन लेके, अगले दो लेक्चर में जब लेके आऊंगा तो उसमें बाकी सारी चीजें भी खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे इंजीनियरिंग सर्विसेज का पूरा GS खत्म हो जाएगा, या स्पोर्टी डेवल जी मोस्ट प्रोबेबली। ओके चलिए, तो SMTP का बताइए क्या यूटिलाइजेशन होगा। निरंजन जी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, इजीली मिल सकता है आपको। ओके तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, जैसे ही आपका गेट का रिजल्ट आता है आई विल मेक ए पोस्ट गेट गाइडेंस, तो आपको पोस्ट गेट गाइडेंस मिल जाएगा। SMTP का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है राजकुमार यादव जी ने, पहला एग्जाम्पल है जीमेल। और बताओ जीमेल इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ SMTP, और बताओ कौन सा होता है, सोचो नावेद जी, डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट। पहले ये बताओ SMTP का फुल फॉर्म क्या है। ओके, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, काफी सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, आंसर आना चाहिए। देखो आप लोग आंसर करेंगे ना तभी तो सीखोगे आप लोग, तो तभी तो क्लास में मजा आएगा आपको। तो जल्दी से बता दो कि क्या आंसर आएगा, और कई सारी चीजें आपने जिसमें मेल भेजने के लिए आप यूज करते होंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए चलिए, तो मैक्सिमम, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसमें याहू भी इसका एग्जांपल है, याहू मेल भी आप यूज करते हो, याहू भी तो मेल है और भी मेल होते हैं बहुत सारे, तो जीमेल याहू ये सारे क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इनके एग्जांपल भी पता होने चाहिए कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके, अब अगला ये बताइए, ठीक है, अगला ये बताइए कि इसमें कई स्टूडेंट को डाउट आया होगा रिमोट लॉगिंग क्या है। देखो रिमोट लॉगिंग का आपको एग्जांपल बताऊं, एक बात देखो, या फुल फॉर्म नहीं पहुंची जाएगी बट आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल, देखो मेनली मैं बताऊं कि जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का GS होता है ना वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है और उसके हिसाब से जो करंट में चीजें चल रही है उनका कनेक्शन बन के आता है। मैंने आपको कल बताया था कि डे आफ्टर बिफोर आपका क्या आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने नया एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया था, माई राशन ऐप, जिसमें जो राशन कार्ड से रिलेटेड जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको वेराइटी ऑफ चीजें मिलती है, तो उस पर्टिकुलर चीजों को देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वो शुरू किया है माई राशन ऐप। तो वो क्या है, ICT का ही पार्ट है, सो दैट शुड बी द क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो पास्ट प्लस प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके इंजीनियरिंग सर्विसेज का GS बनता है। मतलब इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको जैसे वर्ल्ड वाइड वेब हो गया तो उससे रिलेटेड कोई अपडेट आया, उससे रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल आया, उससे रिलेटेड कुछ चीजें डेवलप हुई है, तो उनको रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ओके सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो आगे आपका आ जाएगा, देखो रिमोट लॉगिंग का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास एप्पल का फोन है और आपके पास एप्पल की क्या है, वॉच है। ओके तो आप एप्पल की वॉच डिजिटल वॉच जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा आपके फोन से वो कनेक्टेड रहेगी और सारी की सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिमोट लॉगिंग, यानी कि जो मेन कंप्यूटर होता है वो कहीं और होगा, जो उसके साथ में एक रिमोट कंप्यूटर्स भी होगा जिसमें डिस्प्ले में हम चीजें शो कर जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रिमोट लॉगिन। ओके तो मतलब उस पर्टिकुलर का जो मेन कंप्यूटर होगा वो कहीं और होगा, हम उसका रिमोट लोकेशन पे भी लॉगिन करेंगे दूसरे किसी में और वी विल यूटिलाइज इट ओके फॉर अवर ऑपरेशंस। ओके सो आई होप यू, या इसके मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, पहले लेक्चर खत्म हो जाए फिर मैं आपकी एक क्लास लेके प्रीवियस भी कवर करवा दूंगा। ओके डू नॉट वरी अबाउट इट। अगला क्या आएगा आपका एफटीपी। व्हाट इज एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके तो इस ट्रांसफर टेक्स्ट और बाइनरी फाइल बिटवीन एफटीपी सर्वर एंड क्लाइंट। बताओ एफटीपी का एग्जांपल क्या क्या है? एफटीपी का एग्जांपल कोई बताएगा क्या मुझे? करंट में वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनमें से एफटीपी कौन कौन से हैं बताओ जरा, जिसमें फाइल ट्रांसफर होती है, यानी कि या तो मैसेज ट्रांसफर होंगे या कोई वीडियोज हो गए, फोटोज हो गए, ठीक है, इसके अलावा कोई छोटे फाइल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है आप बताना चाहोगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स में? या ट्राई टू आंसर इट, ट्राई टू आंसर इट। ओके ट्राई टू आंसर इट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या लास्ट वाले का जो एग्जाम्पल है ना SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका एग्जाम्पल आप इंटरनेट कैफे जो होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका, जैसे व्हाट्सएप आपका हो गया तो व्हाट्सएप इज वन ऑफ द, व्हाट्सएप जो है वो वन ऑफ द फाइल ट्रांसफर है। ऐसे ही आपका मान लो कोई भी मैसेजिंग जो ऐप होती है वो सारी की सारी एफटीपी के अंदर आती है। ओके सो यू शुड यूटिलाइजेशन इज, जैसे फेसबुक मैसेंजर जो होता है ना वो एफटीपी है, ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट इट। अब दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये फेसबुक व्हाट्सएप ये तो बाहर की कंपनियां हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चीजें लॉन्च होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया में डेवलप्ड जो चीजें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइक हो गया और ऐसी चीजें जो इंडिया में डेवलप्ड है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं रिलेट करके। ओके तो आपसे व्हाट्सएप फेसबुक इनके बारे में नहीं पूछेगा, पर जो करंट में गवर्नमेंट से जो नई नई चीजें आ रही है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके चलिए, कई ना लाइक टिकटॉक कर रहे हैं यहाँ पे, टिकटॉक है ना मैसेजिंग ऐप है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, टिकटॉक तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है, तो ये टिकटॉक आंसर बता रहे कई लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईमेल, ईमेल का बारे में अगर आपने देखा होगा वैरायटी ऑफ ईमेल्स आप यूज करते हो, तो ये वेरी वेरी पावरफुल टूल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विच इनेबल ए यूजर टू सेंड मैसेज एंड रिट्रीव मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो ईमेल है काफी अच्छा फंक्शन है। ओके ये जो ईमेल है काफी अच्छा फंक्शन है, आप सब यूज करते हो, आपका ईमेल के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताने की नीड नहीं है, बिकॉज बस इतना याद रखना आपको कभी डेफिनेशन वाइज अगर पूछे, इंटरव्यू में पूछे तो आप क्या बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे सर ईमेल वो चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं फोटो वोटो भेज देते हैं और वहां से डॉक्यूमेंट आ जाता है, सर कॉल लेटर भी आ जाता है कंपनी का जो काफी कम आता है, ठीक है, तो ये सब नहीं बोलेंगे। आपको क्या बोलना है, ईमेल जो होता है वो एक पावरफुल टूल होता है, ईमेल जो होता है वो एक पावरफुल टूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए, जो इनेबल करता है किसी भी यूजर को मैसेज को सेंड करने के लिए और रिट्रीव वाला रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ओके सो इट वर्क ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, ईमेल जितने भी आप ईमेल देखोगे ना वो क्या करेगा, डाटा को स्टोर भी करेगा और फॉरवर्ड भी करेगा। देखा होगा आपने कि जो भी आप मेल भेजते हो आपके उस मेल आईडी में क्या होती है, स्टोर भी हो जाती है और सामने वाले के पास फॉरवर्ड भी हो जाती है, ठीक है, तो दैट विल बी द मेनी वेरी वेरी बेनिफिशियल फंक्शन फॉर ईमेल। ओके देन इट प्रोवाइड ए वेरी रिलायबल एंड फास्ट कम्युनिकेशन, तो ये काफी रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेशन है। पुराने जमाने में क्या होता था, जो आशिक होते थे बाबू सोना मोना वाले, वो लोग क्या करते थे कि कबूतर के ऊपर अपना लव लेटर डाल के भेज दिया करते थे, तो वो क्या होता था स्लो कम्युनिकेशन होता था ना, पता चले कबूतर बीच में ही किसी और को दे दिया जाके, ठीक है, पता चले बाबू सोना मोना के पापा को जाके दे दिया वो गलती से, पता चले पापा उधर से वापस लेटर आ रहा है धमकी भरा, ठीक है, तो ऐसी जगह से क्या हो गया ईमेल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया ईमेल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन को फास्ट कर देता है, काफी रिलायबल है, मतलब एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी यूज होगी, यानी कि कोई भी आपको ऐसे फिजिकल चीजें यूज नहीं हो रही है ज्यादा, जैसे पहले के जमाने में लेटर यूज हुआ करते थे, सामने वाला पोस्टमैन यूज होता था वो डिलीवर करता यहाँ से रिसीव करता, तो बहुत सारी चीजें यूज होती थी, इंस्टेड ऑफ दिस अभी जो ईमेल वगैरह है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली फास्ट कम्युनिकेशन कर दिया है। इट इज एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है, चलिए
पता चले जब तक वो लेटर पहुंचा तब तक बाबू मोना सोना की शादी हो गई, ठीक है। चलिए तो एन इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट। पहला क्या आएगा, जो भी इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट करता है वो थ्री होगा। पहला होता है मैसेज इनवोलप, दूसरा होगा मैसेज हेडर और तीसरा होगा मैसेज बॉडी। व्हाट इज मैसेज इनवोलप, उसमें आपकी जो जिसको आप सेंड करते हो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप कोई मेल लिखते हो तो क्या लिखते हो, टू लिखते हो, फिर यहाँ पे सीसी लिखते हो, ओके फॉरवर्ड लिखते हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये मैसेज का इनवोलप है। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हो, तो सब्जेक्ट क्या है, मैसेज का हेडर है जिसमें आप उसका हेडिंग लिखते हो कि ये ईमेल किससे रिलेटेड है। देन आपका मैसेज की बॉडी आती है जिसमें आप सारी की सारी डिटेल, अटैचमेंट और बाकी सारी चीजें लिखते हो। तो ये जो ईमेल है ये एग्जांपल होता है आपका क्लाउड सर्विसेज का। ये नाम याद रखना है, ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ओके सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आईसीटी काफी ज्यादा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी टीचर को क्लास लेने के लिए किसी भी प्लेस से ले सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं। और पहले तो ये वर्चुअल क्लासरूम है, ये क्लासरूम नहीं है, ठीक है, ये गलती से स्पेलिंग गलत हो गया। कई लोग सोचते हैं सर वर्चुअली क्लास होता है, सर उसमें कुछ डाल देते होंगे, सर्दी तो होती है सर, सर्दियों में क्लास में वर्चुअली कुछ दे देते होंगे, नालायक, वो क्लासरूम है, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्चुअल क्लासरूम। मैं बता रहा हूँ अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे होगा ना, तो लगभग 5 to 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको आईसीटी से दिखेंगे। लास्ट ईयर का पेपर भी उठा के देख लेना 2020 का, कितने क्वेश्चन आपको आईसीटी से दिखेंगे। आईसीटी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ठीक है, मेटेरियल साइंस हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हो और मार्क्स इसी में से आते हैं, ठीक है, मार्क्स आपके इसी में से आते हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम जो है वो टेक्निक किसको डिफाइन करती है, जिसमें टीचर जो है वो क्लास लेता है किसी और प्लेस पे और स्टूडेंट जो है वो क्लास को एक्सेस कर लेता है किसी और प्लेस पे। बताओ इसका एग्जांपल क्या है, कोई बताएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन टेकन प्लेस बाय, मान लो कोई वेबसाइट हो गई या फिर कोई सर्वर हो गया या फिर दोनों का मिक्सचर से हो गया, ठीक है। तो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से बताओ क्या एग्जाम्पल आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो वर्चुअल क्लासरूम का एग्जांपल बताओ, कुलदीप सर क्लास ले रहे हो और आप लोग देख रहे हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्या, वर्चुअल क्लासरूम। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आप वहां पे बैठे हुए हो, सब लोग आप क्लास ले रहे हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, या सो दैट इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, www यूज कर सकते हो, अनअकैडमी इज आल्सो वर्चुअल क्लासरूम, तो www टेलीकॉम हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू आपका दोनों हो सकता है, कि कई जगह www यूज होता है यानी वेबसाइट्स यूज होती है, कई जगह हो सकता है टेलीकॉम एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीजें यूज होती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। सिमिलर टू वर्चुअल क्लासरूम देर आर द वर्चुअलाइजेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग आईसीटी टूल इन वेरियस फील्ड लाइक। तो सिमिलरली जो वर्चुअलाइजेशन काफी जगह और भी यूज होता जा रहा है, जैसे वर्चुअल लेब फॉर्म हो गए, वर्चुअल लेब्स होते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी होती है जो आप देखते हो, ई लाइब्रेरी होती है जहाँ पे होती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आ रखी है दोस्तों, जहां पे आपको गवर्नमेंट जैसे एनपीटीएल एचआरडी हो गया, वो क्या है एक वर्चुअल क्लासरूम को फीलिंग देता है, उसके जो पीडीएफ वगैरह आपको मिलती है वो क्या है वर्चुअल लाइब्रेरी है, वर्चुअल बुक्स भी आने लग गई है। ओके तो ये सारे गवर्नमेंट भी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च करती है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट, कि जो इससे रिलेट, देखो दोस्तों जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना और करंट में जो चल रहा है उन दोनों को रिलेट कर लेना, क्वेश्चन उन्हीं में से उठ के आता है। ओके चलिए तो काफी सारे स्टूडेंट ने सोल्व कर दिया है, कई लोग तो वर्चुअल नाम सुन के अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर ये वर्चुअल वाला तो सर जीवन में सर हम 11 12th क्लास के बाद ही सीख गए थे, सर सर हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं सर क्या होता है सर वर्चुअल, ऊपर से मैकेनिकल ब्रांच है सर, तो जिन मैकेनिकल ब्रांच जिसकी होगी वो तो वर्चुअल को अच्छे से जानते होंगे। ओके दे शुड नो अबाउट व्हाट इज वर्चुअल। ओके चलिए सर जिंदगी में सब वर्चुअल ही है सर, और कुछ तो पता नहीं अब, ठीक है, तो चलिए नालायक को आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्या आएगा, डिजिटल लाइब्रेरी। What is digital library? It is a collection of digital document or object. तो ये आजकल काफी ज्यादा फेमस हो गया है, जैसे मान लीजिए आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम लॉन्च करी है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी सेव हो जाती है, और ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो आपको क्या होगी, वहां से आप इनका बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। तो डिजिटल लाइब्रेरी काफी फेमस हो चुकी है, आप देखोगे आजकल जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल देता हूँ, ये पीडीएफ देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी। इट इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज एंड फोकस कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट इमेज वीडियो ऑडियो विद द मेथड ऑफ एक्सेस एंड रिट्रीव फॉर सिलेक्शन
क्रिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटेनेंस एंड शेयरिंग ऑफ कलेक्शन। तो इसमें आपके टेक्स्ट सेव हो सकते हैं, इमेज सेव हो सकती है, वीडियो सेम हो सकती है, ठीक है, वीडियो सेम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे वैरायटी ऑफ चीजें होगी, जैसे मेथड ऑफ एक्सेस, रिट्रीव फॉर सिलेक्शन, क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस एंड शेयरिंग ऑफ कलेक्शन, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी वहां पे सेव होती है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा व्हाट इज द डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, सो व्हाट इज द डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट को सेव करते हो, या फिर वीडियो को सेव करते हो, या फिर ऑडियो को सेव करते हो, या फिर आप कोई भी सिलेक्शन करते हो, क्रिएशन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करोगे, मेंटेनेंस करोगे, शेयर करोगे, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, डिजिटल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड, अब आएगा आईसीटी इन एजुकेशन, बिकॉज ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेशन तो हमारा आईसीटी का बनाना ही पड़ेगा। ओके, सो वी शुड नो अबाउट द आईसीटी इन एजुकेशन। सो व्हाट इज आईसीटी इन एजुकेशन, इट विल बी डिफाइंड एज द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मान लो ये क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, ये क्या है आपका इंटरनेट, जो क्या करेगा दोनों के अंदर, इंटरनेट क्या करेगा, जो क्लाइंट होगा और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके बीच में क्या करेगा, रिलेशन बना के देगा, इंफॉर्मेशन पास का मीडियम बनेगा, वो क्या है आपका इंटरनेट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे कोई एप्लीकेशन हो गई, सर्विस, रन टाइम, क्लाउड स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता है बैक एंड पे। तो ये फ्रंट एंड पे ये वाली जो चीजें होती है ना, वो आपको दिखती है जब आप मान लो कोई भी ऐप खोलते हो, तो आपको क्या दिखेगा, मान लो आपने अनअकैडमी ऐप खोला, तो आपको अनअकैडमी ऐप के पीछे क्या दिखेगा, आपको वीडियो लेक्चर के लिंक दिखेगी और वीडियो लेक्चर दिखेंगे, बट बैकग्राउंड में बहुत सारे उसके लिए क्या होगा, स्टोरेज मेमोरी यूज होगी लेक्चर को सेव करने के लिए, सिक्योरिटी होगी, जैसे प्लस का जो कोर्स है वो प्लस के स्टूडेंट को मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपको होगी वहां पे, मैनेजमेंट होगा कि सारे लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस होती है, रन टाइम क्लाउड होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सारी किस्म में यूज होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अनअकैडमी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग इस आईसीटी ने एजुकेशन। तो ऐसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम आती है दोस्तों, ई शिक्षा, ई लाइब्रेरी, ओके, दैट इज लॉट्स ऑफ द सर्विसेज की फ्रीक्वेंटली कमिंग रिलेटेड टू आईसीटी ने एजुकेशन। ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो दोस्तों, आपको डायग्राम ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑपरेशन सिस्टम्स एंड हार्डवेयर। तो ये क्या करेगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो हार्डवेयर होता है, इनको जो सेपरेट करता है ना, इनको सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज वर्चुअल कंप्यूटिंग, इनकी बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स जो होते हैं वो कई जगह यूज होते हैं। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस टर्म्स। ओके, नेक्स्ट विल बी द वर्चुअल कंप्यूटिंग इज अ टेक्निक ऑफ एक्सेसिंग सम अदर सिस्टम्स और कंप्यूटर ऑन ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो वर्चुअल कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सेस करती है सम अदर सिस्टम्स और कंप्यूटर्स ऑन ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब देखो, आजकल वेराइटी ऑफ ऐसी ऐप आ चुकी है, जैसे मान लो एनी डेस्क एक ऐप है, तो एनी डेस्क का मतलब क्या होता है, एनी डेस्क एक ऐप है, आप यूज करके देखना, इसका मतलब क्या होता है, एनी डेस्क का अगर आपने यूज किया तो ये आपका दोस्त का कंप्यूटर है और ये आपका आपका कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपने एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे भी एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया, आपके डेस्कटॉप की एक एनी डेस्क की आईडी होगी और इनके आपका जो दोस्त है उसके डेस्कटॉप की भी एनी डेस्क की आईडी होगी। तो अगर आपने उसको अपनी आईडी बता दी और उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी और आपने एक्सेप्ट कर ली, तो आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो अब इसके हाथ में चला गया। आप बैठे बैठे देखोगे, वो आपका सारा कंप्यूटर में जो भी चलेगा सब देख लेगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द वर्चुअल कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी भी कंप्यूटर, ये आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, पता है आपको, ये जो एनी डेस्क है वो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। अगर आपका फोन है और आपका दोस्त का फोन है, तो आप क्या करोगे, उनको बोलो कि एनी डेस्क डाउनलोड कर ले, आप भी एनी डेस्क डाउनलोड कर लो, और फिर उनसे आईडी पूछ लो उनके एनी डेस्क की, आपने फोन में लगा दो, एक्सेप्ट कर लो, आपका जो फोन है ना उनका फोन आपके फोन में आ जाएगा, जो उनके फोन में चलेगा वो आपके फोन में शो करेगा सारा। ओके, तो मतलब वो क्या होता है, मान लो किसी को पता करना है कि आपने आपके बाबू मोना सोना किसी और से बात थोड़ी कर रहे, तो आपको पता करना है, तो यू कैन यूज एनी डेस्क ऐप। ओके, आप कौन सी ऐप यूज करोगे, एनी डेस्क ऐप यूज करोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आपका जो है फोन है, सामने वाला जो है फोन में क्या क्या कर रहा है, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, चलिए, कई लोग तो बोलेंगे सर अभी डाउनलोड करेंगे, सर अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा सर पहले इसी को डाउनलोड करेंगे,
ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे इसी को डाउनलोड करेंगे. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल कंप्यूटिंग इज अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो वर्चुअल कंप्यूटिंग किसका पार्ट होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट होता है. तो जो भी वर्चुअल कंप्यूटिंग होगा वो सारा का सारा क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग से ही मिलके बनता है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल अस टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होगा वो आपको इनेबल करती है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन शेयर करने का. और क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में बनता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. अभी अभी मैंने डायग्राम बना के बताया था फ्रंट एंड और बैक एंड का, आपको पता लग गया होगा. ये वाला जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, और जो बैक एंड पे जो भी चीजें होती है वो सारी क्या कहलाती है? जो बैक एंड पे सारी चीजें जो लाती है वो क्या है आपका? ठीक है, बैक एंड पे जो सारी चीजें होती है उसको हम बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का सेकंड एंड. तो फ्रंट एंड क्या होता है? इज द सिस्टम इन विच द यूजर इज एक्सेसिंग टू क्लाउड सर्विस. मतलब फ्रंट एंड एक ऐसा चीज है जिसमें एक यूजर जो होता है वो एक्सेस करता है क्लाउड सर्विस का. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको व्हाट्सएप का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, आपको अनअकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, दैट विल बी उनकी एप दिख रही है, उनके अंदर आपको लेक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज योर फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो एप होती है उसको भी आप बोल सकते हैं द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड रिक्वेस्ट टू एक्सेस क्लाउड सर्विसेज. इसके माध्यम से क्या होता है, आप क्लाउड सर्विस के अंदर एंटर कर जाते हो और जो आपको एक्सेस है उस हिसाब से आप वहां पे चीजों को देख सकते हो. नेक्स्ट विल बी द बैक एंड. व्हाट इज द बैक एंड? अब देखो होता क्या है, जैसे ही आपने अनअकैडमी आप स्पेशल क्लास देख रहे हो तो वो क्या है, वो ओपन है, जो भी उसमें आएगा वो ओपन हो जाएगा. अब अनअकैडमी प्लस क्लास होती है, तो प्लस क्लास का क्या मतलब है? जो आपको अनअकैडमी यूजर आईडी दी जाती है उसको क्या कर दिया गया है, उसको प्लस वाली कैटेगरी में डाल दिया है. तो प्लस वाली कैटेगरी में जैसे ही उसको डाल दिया तो क्या होगा, अगर अब आपका जो वो उस यूजर आईडी से अगर आप लॉगिन करते हो तो उस यूजर आईडी के पास एक्सेस है प्लस में जाने का, तो वो क्या होगा, प्लस पे चले जाएगा. समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपका क्या होता है, उसका सर्वर जो है, सर्विस है, उसका एक्सेस को चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, तो बैक एंड ऑफ द सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोसीजर होगा, मेमोरी होगा, ये सारे बैक एंड पे होते हैं जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने में काम आते हैं. द फंक्शन ऑफ बैक एंड सिस्टम इज टू अदर सर्विस इन फ्रंट एंड ऑफ द सिस्टम. तो बैक एंड का इतना ही काम होता है कि वो सर्विस को ऑफर करता है फ्रंट एंड को. ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड. अगला आपको क्या देखना है, अगला आपका आएगा द फ्रंट एंड सिस्टम्स यूजर कैन कनेक्ट टू अ बैक एंड सिस्टम थ्रू वेब ब्राउजर. इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. थिकेट एंड थिन नेट, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड सिस्टम यूजर जो होता है वो कनेक्ट करता है बैक एंड सिस्टम को वेब ब्राउजर के माध्यम से, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या फिर कोई नेट के माध्यम से. ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग. तो ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग जो है उसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये सेल्फ सर्विस होती है, यानी मिक्स एंड मैच. अगर मान लो आप ई लर्निंग कर रहे हो, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो. थैंक यू सो मच आदित्य जी, आकाश जी. ओके, पूरा जीएस कवर करेंगे जतिन जी. ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तो आप सेल्फ सर्विस में होते हो. व्हाट इज द सेल्फ सर्विस की मतलब, अगर मान लीजिए आपका मन किया कि आज आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लेक्चर देखना है लाइव, तो आपने लाइव देख लिया, आपका मूड अच्छा हुआ तो आपने देख लिया. अब क्या पता 7:50 पर क्या हुआ था, 7:50 पर आपकी लड़ाई हो गई बाबू मोना सोना से, ठीक है, लड़ाई हो गई, घर वालों ने कुछ बोल दिया, आपको टेंशन हो गई, तो आप क्या करोगे, 8 PM पर आप पढ़ने बैठ तो जाओगे. अगर लाइव क्लास हुई तो आप क्लास में जाओगे तो सही, बट आपका क्या करेगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं आएगा, आप टेंशन लेते जाओगे, सोचते रहोगे, तो आपके माइंड में जो चीजें जानी चाहिए वो जाएगी नहीं. तो दैट इज कॉल्ड कि आप इसको क्या करोगे, दिस वीडियो विल बी द रिकॉर्डिंग मीडियम. तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो जब आपका मूड अच्छा हो. सो दैट इज द बेनिफिट कि आप सेल्फ सर्विस कर पाते हो मिक्स एंड मैच के लिए. ओके, सो दैट इज बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग, जो ऑनलाइन लर्निंग होता है इसका ये बेनिफिट है. नेक्स्ट क्या आएगा, ऑन डिमांड. आपकी डिमांड के हिसाब से आपको चीजें मिलती है. व्हाट दिस मीन, मतलब मान लीजिए आपने डिमांड की यूट्यूब पे जाके मुझे कुलदीप सर का लेक्चर देखना है, तो यूट्यूब आपको उनका वीडियो दिखा देगा. ठीक है, तो ई लर्निंग में ये बेनिफिट है, आपकी डिमांड को सुना जाता है. ठीक है, बाकी क्या होगा कि अगर आप विदाउट ई लर्निंग देखोगे तो आपको आप बैठ जाओगे, वो अपने हिसाब से आपको चीजें दिखाएंगे. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑन ई लर्निंग. ओके, जैसे मान लीजिए अभी आप मूवीज देखते हो ऑनलाइन तो आप अपनी इच्छा से देख सकते हो, बट जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आप अपनी इच्छा से नहीं देख सकते हो. तो दैट्स व्हाई आजकल जो चीजें हैं वो ई लर्निंग वाली ज्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि वो हमारी हिसाब से डिजाइन होती है, ना कि सब लोगों के हिसाब से डिजाइन होती है.
सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। देन प्राइवेट लर्निंग होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बड़ी सी क्लास में बैठ गए, वहां 500 बंदे बैठे हुए हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है तो भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। मतलब प्राइवेट लर्निंग का मतलब आप पर्सनल स्पेस में आप पढ़ सकते हो। देन सेल्फ पैलेस आपके अकॉर्डिंग चलती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब आप अपने हिसाब से चीजें देख सकते हो। सो ये सारे के सारे बेनिफिट है आपके ई लर्निंग के, और ये आईसीटी में ही आते हैं। ओके, देन आपका आ जाएगा आईसीटी इन नेटवर्किंग। व्हाट इज आईसीटी इन नेटवर्किंग? तो यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए आपका चैप्टर वन है, ये आपका चैप्टर टू है, और यहां से आपका यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक इसका टाइप होगा, एक दूसरा टाइप होगा फ्रीक्वेंसी डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप नेटवर्किंग करते हो, जब भी आप बहुत सारी चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या डेफिनेटली मितेश गुप्ता जी आई विल प्रोवाइड इट। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके यू शुड नो अबाउट इट। और नेटवर्किंग जो है उसमें आईसीटी आपको बताइए कि काफी ज्यादा यूज होता है, ओके सो काफी ज्यादा यूज होता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाटा सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डाटा सिलेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिलेक्ट करता है सर्वाइवल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल को, एंड फॉरवर्ड करता है सिलेक्ट इनपुट टू ए सिंगल आउटपुट लाइन। मान लो कि आपने कोई इतना सारा आपके पास यूट्यूब के वीडियो लेक्चर आ गए, ठीक है, उनमें से आप क्या करोगे, एक को सिलेक्ट कर लोगे, और वो आपको क्या करेगा, इतनी सारी आउट आपके पास इतनी सारी चीजों में से आपने एक को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, तो उसके हिसाब से आपको जो अंदर वो जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। अब उसका एल्गोरिथम है, वहां पे कोई पर्सन थोड़ी बैठा है जो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको दे देगा चला के, वो उनका एल्गोरिथम है, ऑटोमेटिकली चल जाता है। सो दैट्स व्हाई इसका मल्टीप्लेक्सिंग का काफी ज्यादा यूज होता है। ये डाटा सिलेक्ट, वैरायटी ऑफ डाटा में से सिलेक्ट करने का ये डिवाइस है, ओके तो ये टाइम डिविजन भी होता है, फ्रीक्वेंसी डिविजन भी होता है, ओके अब देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। What is type of communication in networking? देखो सबसे पहले आपका आएगा simplex method, ठीक है, it is a method in which only one entity can transmit the message while other entity will receive. तो इसका मतलब क्या है, simplex method एक ऐसा technique है, ऐसा method है जिसमें एक जो entity है वो transmit करेगी message का, and दूसरी entity क्या होगी, उसको receive करेगी। मान लो आपने मैसेज किया, एक तो ग्रुप होता है, ओके ग्रुप में मैसेज डालते हो, मतलब बहुत सारे लोग आप भेजोगे तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, और एक आप होता है पर्सनल चैट, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि आप एक पर्सनल इंटरनेटी जो है वन इंटरनेटी मैसेज भेजेगी और अदर इंटरनेटी उसको रिसीव करेगी। सो दैट इज द मेथड ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पे देखो ओनली वन रिसीवर, ओनली सेंडर, ओनली वन कैन सेंड, तो यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो पर्सनल चैट से, ओके देन नेक्स्ट आपका आएगा हाफ डुप्लेक्स मेथड। ये क्या करता है, ये बोथ कम्युनिकेशन entity which can transmit the message but only one can transmit at a time, मतलब ये ऐसी technique है जिसमें दोनों की दोनों transmit करती है but on the instant of time जो होगा केवल एक ही transmit करेगा। On the instant of time क्या करेगा, केवल एक ही ट्रांसमिट करेगा, दोनों ट्रांसमिट आपके नहीं करेंगे। सो यू शुड नो अबाउट इट। यहाँ पे क्या पता होना चाहिए आपको, इट इंक्लूड बोथ कम्युनिकेटिंग एंटिटीज विच कैन ट्रांसमिट द मैसेज बट ओनली वन कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम, ओके तो ओनली वन जो होता है वो आपका क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ओके सो बोथ विल सेंड अल्टरनेटिवली, ओके तो यहाँ पे पहला ये भेजेगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। सो आप फैक्स का एग्जाम्पल समझ सकते हो, फैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मेथड, क्योंकि देखो एक ने अगर फैक्सिंग करना शुरू कर दिया ना तो दूसरे वाले का फैक्स नहीं आएगा। देन नेक्स्ट विल बी द फुल डुप्लेक्स मेथड। व्हाट इज द फुल डुप्लेक्स मेथड, जिसमें दोनों की दोनों एंटिटीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है एक साथ किसी एक चैनल से। मान लो आप भी मैसेज लिख रहे हो, सामने वाला भी मैसेज लिख रहा है, दोनों आए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो फुल डुप्लेक्स मेथड है, तो यू शुड नो अबाउट इट, ओके तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इन नेटवर्क के, वैरायटी ऑफ टाइप होते हैं नेटवर्क किसी भी कनेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला आएगा आपका यूनिकास्ट। व्हाट इज यूनिकास्ट? इन दिस मेथड ए ट्रांसमिटर इज सेंडिंग मैसेज टू द फिक्स रिसीवर। मतलब जो भी यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये मैं एडमिन हूं, ठीक है, किसी भी ग्रुप का मैं एडमिन हूं, मैंने मैसेज भेजा किसी पर्सनली किसी पर्सन को भेजा, तो वो क्या होगा, एक मैसेज जो होता है वो किसी फिक्स रिसीवर के पास जाएगा। बट मान लो मैं किसी ग्रुप का एडमिन हूं और मैंने ग्रुप में कोई मैसेज भेजा तो वो बहुत सारे लोगों के पास चला जाएगा, तो इट विल बी डिनोट एज द मल्टीकास्ट। इसको क्या बोलोगे आप, मल्टीकास्ट। इन दिस ए ट्रांसमिटर इज सेंडिंग मैसेज टू ए मल्टीपल रिसीवर ओवर द नेटवर्क। मतलब जो मल्टीकास्ट में क्या होगा, ट्रांसमिट मैसेज करेगा बहुत सारे रिसीवर को। फॉर द एग्जाम्पल ग्रुप मैसेज हो गया, वो ग्रुप मैसेज जो होता है उसको आप क्या बोलते हो,
मल्टीकास्ट, पर्सनल मैसेज को आप क्या बोलते हो, यूनिकास्ट। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट आपका आएगा ब्रॉडकास्ट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉडकास्ट इन दी मेथड ट्रांसमिटर इज सेंडिंग मैसेज टू ऑल अदर यूजर इन द नेटवर्क। तो देखो, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं, एक हम बोलते हैं फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली, तो फेसबुक पे जो पोस्ट मैंने डाली वो पब्लिक है, अगर इसका मतलब उस फेसबुक पे जो भी होगा ना वो उसको देख सकता है। ऐसे ही सिमिलरली यूट्यूब पे मान लो मैंने वीडियो डाली, तो जिसका मतलब क्या है, जिस जो यूट्यूब ऐप चलाता है वो उस वीडियो को देख सकता है। बट उसमें भी दो तीन आती है, एक आपने देखा होगा यूट्यूब में वीडियो आता है पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब क्या हुआ, केवल वो देख सकता है जो पब्लिक का मतलब सब देख सकते हैं। एक आता है प्राइवेट, तो प्राइवेट में क्या होता है, डेफिनेटली उसको जिसको एक्सेस है वो ही देख सकता है। एक आता है आपका लिंक शेयरिंग मोड, मतलब जिसके पास वो लिंक है ना वो ही देख सकता है। सो यू कैन रिलेट इट विद, तो जो यूट्यूब है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल है। बट उसमें भी इंटरनली आपके ब्रॉडकास्ट भी हो जाएगा, यूनिकास्ट भी हो जाएगा और मल्टीकास्ट भी हो जाएगा। अब नेटवर्किंग का गोल क्या है, सबसे पहले तो रिसोर्स को शेयर करने में आते हैं, जैसे प्रिंटर इन ए साइबर कैफे, तो ये क्या है आपका नेटवर्किंग का ही तो एग्जाम्पल है। आपने क्या किया, जो भी रिसोर्स है उसको शेयर कर दिया। हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना, मनी को सेव करना टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, तो ये सारे बच्चे वाले एग्जाम्पल है, यू शुड नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में पता होगा। ओके चलिए दोस्तों, आज आपका आईसीटी खत्म हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट के बारे में पता लग गया, इन दिस मेथड ट्रांसमिटर इज सेंडिंग मैसेज टू ऑल अदर यूजर इन द चैनल। नेटवर्किंग का यूज क्या होगा दोस्तों, रिसोर्स शेयरिंग में काम आएगी, हाई रिलायबिलिटी होती है, मनी को सेव करने में काम आएगा और परफॉर्मेंस आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो ये आपका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग है। मतलब सबसे पहले मान लो ये इंटरनेट हो गया, जिसको हमने आईसीपी का नाम दे दिया, इट इज इंटरनोट। ये आपका क्या हो गया मोडम, ये आपका क्या हो गया रूटर, ये आपका क्या हो गया फायरवॉल, ये क्या हो गया हब एंड स्विच, एंड यहां से आपका मल्टीप्लेक्सर होगा जो डाटा को सिलेक्ट करने के काम आएगा। डी मल्टीप्लेक्सर जो डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है उससे वापस आपको इन्फॉर्मेशन देने में काम आएगा। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नेटवर्क के कंपोनेंट पता होनी चाहिए कि मान लो सबसे पहले आपका इंटरनेट है, उससे मोडम, मोडम से रूटर, रूटर से फायरवॉल, फायरवॉल से हब एंड स्विच। इसके डिटेल में नहीं जाना दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर सीएस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज आपको बस थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके चलिए, द नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों, मान लो कोई भी प्रोटोकॉल्स आप लेते हो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, वो किसी सिंगल यूनिट में ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा सेट ऑफ लेयर्स के अंदर। मतलब कोई भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोटोकॉल लेते हो तो वो ऐसा नहीं कि केवल सिंगल लेयर होगी। आपने वेबसाइट देखा होगा तो ऐसा थोड़ी कि सारी फ्रंट वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक लेयर आप खोलते हो उसके अंदर होम का पेज दिखता है, फिर दूसरा पेज दिखता है, एक पेज पे आप क्लिक करते हो फिर अंदर घुस जाते हो। तो लेयर बाय लेयर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लेयर। ओके, देन द फंक्शन ऑफ ईच लेयर इज प्री डिफाइंड, मतलब जो उस पर्टिकुलर लेयर का जो काम है वो पहले से डिफाइंड होता है। एवरी लेयर वन ऑफर सम सर्विस टू लेयर अबव इट। ओके, तो जितनी भी लेयर है वो कुछ सर्विस आपकी ऑफर करती है। ओएसआई मॉडल क्या डिफाइन करता है, ओपन सिस्टम इंटरफेरेंस इंटरकनेक्शन। ओके, तो ये आपका ओएसआई एक मॉडल है जो डिफाइन करके देता है आपको ओपन सिस्टम इंटरफेरेंस इंटरकनेक्शन। ओके, मतलब ओपन सिस्टम्स होगा जिसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इन इट इज अ सेवन लेयर मॉडल, सेवन लेयर मॉडल होगा जिसको आप रेफरेंस मॉडल भी कह सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल मान लो किसी भी ओएसआई सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरफेरेंस। ओके, अगर किसी भी ओएसआई मॉडल को देखोगे तो इसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन को समझ सकते हो। तो एप्लीकेशन ये एंड यूज लेयर होती है जिसमें एचटीटीपी, एफटीपी, आईआरसी, एसएसएच, डीएनएस ये सारे आ जाते हैं। डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, प्रेजेंटेशन के बारे में अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं सिंटेक्स लेयर, मतलब जो चीजें आपके सामने आ रही है वो किस तरीके से आएगी। इसमें SSL आ गया, SSH, IMAP, FTP, MPAG, GPAG, ये सारे आपके क्या प्रेजेंटेशन। GPAG तो आपने नाम सुना ही होगा, फोटो जो आप भेजते हो, GPAG, GPG, ओके, ये सारी चीजें सुनी होगी, दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। सेशन क्या आएगा दोस्तों, साइंस एंड सेंड टू पोर्ट। तो एपीआई यूज होता है, सॉकेट्स यूज होते हैं, विंडसॉक्स यूज होते हैं, सारे क्या सेशंस यूज होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट जब अगर आप कर रहे हो उसके इसमें एंड टू एंड कनेक्शन होता है जिसमें टीएसपी और यूडीपी चेंज होते हैं। नेटवर्क के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आईपी एड्रेस, जैसे आपने वर्ड यूज देखा होगा ना आईपी, व्हाट इज आईपी, मतलब ये आपका नेटवर्क एक्सेस का क्या होगा आईपी कोड होता है। तो आईपी आपने वर्ड सुना होगा, तो देखो आईसीएमएपी, आईपी सेक, आईजीएमपी, ये सारे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं नेटवर्क में। फिर आएगा डाटा लिंक, तो डाटा लिंक में भी आपने देखा होगा इथरनेट वर्ड सुना होगा कई बार,
पीपीपी वर्ड सुना होगा, स्विच ब्रिज, ये वर्ड सुने होंगे, फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। अगला आएगा फिजिकल। तो फिजिकल में देखो, अगर फिजिकली आपको इंटरनेट प्रोवाइड करनी है तो उसका माध्यम क्या आएगा, कोक्स हो गया, फाइबर बिछ जाते हैं जो आपके वायरलेस से होते हैं, हब होगा, रिपीटर्स होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग क्या करोगे, या ओके, तो फिर फिजिकल में क्या होगा, देखो फिजिकल में आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो देट इज कॉल्ड द फिजिकल। अगर मान लो कहीं आप एयरपोर्ट से आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो वहां पे देखो वेराइटी ऑफ क्या होती है, आपकी वेराइटी ऑफ वहां पे विस्तारा और ये सारी एयरलाइंस होती है, तो इनके क्या होते हैं, आपको एक्सेस मिलते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हो, ड्यूरिंग योर ट्रेवलिंग आप मूवी वगैरह देख सकते हो। सो देट इज एंड टू एंड आपका क्या होगा, कनेक्शन होगा। सो देट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे ओएसआई मॉडल्स आपके यूज होते हैं। ओके जतिन गौर जी, आज खत्म हो जाएगा ये, आज आईसीटी खत्म हो जाएगा, आज सेकंड लेक्चर है, आईसीटी विल बी गोइंग टू फिनिश टुडे। ओके, अगला आएगा आपका ओएसआई। व्हाट इज ओएसआई, लेयर प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज। पहला आएगा पीयर टू पीयर सर्विस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, किसी भी पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देगा। ओएसआई लेयर का पीयर टू पीयर सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिफाइन करेगा पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शंस को और एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन को। तो आपको पता है कि एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का होने वाला है, दो पॉइंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, उनके बीच में इंटरकनेक्शन बनवाएगा, कम्युनिकेशन और सिस्टम के बीच में स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, और पर्सन टू पर्सन आपकी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, थैंक यू सो मच जतिन जी। अगला क्या आएगा, आप देखो एप्लीकेशन लेयर जो अभी अभी हमने देखी थी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये होता क्या है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग एनी डॉक्यूमेंट बाय द यूजर। मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन लेयर होता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को जो यूजर है वो एक्सेस कर सकता है। इट प्रोवाइड ए यूजर ए इंटरफेरेंस वेयर ही कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट क्लियरिटी। ओके, तो वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है किसी भी यूजर को एक ऐसा इंटरफेरेंस जिससे वो एक्सेस कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लियरली। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये वेराइटी ऑफ फंक्शन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, जैसे फाइल ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट हो गया, ईमेल सर्विस हो गया, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं, एप्लीकेशन लेयर के। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, फाइल ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट हो गया, ईमेल सर्विसेज जो भी हो गई, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई, डायरेक्टर सर्विसेज जो भी हो गई, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है आपके, एप्लीकेशन सर्विसेज के। ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट, कि इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट, कि एप्लीकेशन लेयर कौन कौन सी चीजें होती है, ये ऐसा पर्टिकुलर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, ये आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, और ये इसके वेराइटी ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, ईमेल सर्विसेज हो गई, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई, तो ये ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। The next will be the presentation layer. What is presentation layer? This layer deal with the syntax, semantics of information transferred. Okay. The function of this layer is encryptions and compressions. Okay. तो ये आपने presentation layer के बारे में भी देखा होगा, इस layer deal करेगी syntax और semantics of the information transferred. तो उसका कैसा system होगा, वो दिखेगी कैसे, जो information आप दे रहे हो उसका visualization कैसे होगा, उसका representation कैसे होगा, this whole thing will be considered in the presentation layer. Then अपना आएगा session layer. तो session layer क्या होती है, ये synchronize करने के लिए data के लिए responsible होती है, यानी दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइज्ड डाटा। ओके, एंड इसके फंक्शन क्या होंगे, सिंक्रोनाइजेशन में और डायलॉग को कंट्रोल करने में। ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट विल बी, ये हमने देख लिया है, ये भी हमने देख लिया है, नेक्स्ट विल बी ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या आएगा दोस्तों, यानी कि द लेयर ट्रांसपोर्ट करेगी किसी भी डाटाग्राम्स को बिटवीन टू नेटवर्क, यानी वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क्स में क्या करेगा, डिलीवर करेगा जो भी आपका डाटा है। इसके वेराइटी ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे फ्लो कंट्रोल हो गया, कनेक्शन कंट्रोल हो गया, एरर कंट्रोल हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शनलिटीज होती है। ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट। देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेटवर्क लेयर। व्हाट इज नेटवर्क लेयर, दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो किसी यहां से लेके, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा आपका नेटवर्क लेयर। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इसी लेयर के ऊपर वर्क करता है। ओके, देन अगला आपका आएगा डाटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेम्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ नेटवर्क। दिस वेरियस फंक्शन ऑफ द लेयर जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग, ये सारे इसके एग्जांपल है। तो आपको बस हल्का हल्का इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बिकॉज अगर आप इन टर्म्स को देखो तो किसी क्वेश्चन में अगर ये यूज हो रही है तो यू शुड नो अबाउट इट, कि वो कहना क्या जा रहा है।
देन अगला आपका आएगा फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर द नेटवर्क. मतलब आपको पता ही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिट्स बाइट्स और इन सब में जाती है. ओके, तो इन रॉ बिट्स को ट्रांसफर करने में ये वाली चीज काम आती है और ये प्रोवाइड करती है एक्चुअल इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नोड ऑफ नेटवर्क. ओके, तो यू शुड नो अबाउट इट. सारे के सारे जो हमने मॉडल पढ़े थे ये सारे आपके OSI के मॉडल है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे OSI रेफरेंस मॉडल अगर आप देखोगे, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. और ये क्या करते हैं, ये TSP और IP कॉन्सेप्चुअल लेयर जिसमें आपको एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेरेंस आपके यूज होते हैं. ये नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाला पॉइंट. ओके चलिए, तो फिजिकल लेयर क्या होती है, एक ऐसी लेयर जो रॉ बिट्स ओवर द नेटवर्क में ट्रांसमिट करने में काम आती है. ये आपको एक्चुअल कनेक्शन प्रोवाइड करेगी किसी भी टू नेटवर्क्स में. जितनी भी लेयर होती है ना OSI मॉडल्स की, वो कम्युनिकेट करती है ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेगी, उसको बोलेंगे हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. ओके, तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या होता है, एवरी लेयर ऑफ द OSI मॉडल विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. देन आपका आएगा TSP एंड IP मॉडल्स. व्हाट इज TSP एंड IP मॉडल, दिस मॉडल इज नेम बिकॉज ऑफ टू प्रोटोकॉल. दो पर्टिकुलर, एक आएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल. इस IP का आपने कई जगह यूज देखा होगा. आप पूछते होंगे आपके फोन का IP एड्रेस क्या है, तो आप फोन का IP एड्रेस होता है जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, यू शुड हैव ए IP एड्रेस. ओके, सो दिस मॉडल इज नेम्ड बिकॉज ऑफ टू प्रोटोकॉल, एक आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल. दिस मॉडल क्यों बनाया गया था, इंटरकनेक्शन करने के लिए किसी भी नेटवर्क के बीच में, और इसको हम नेटवर्क क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क मॉडल भी बोल रहे हैं. और ये फोर लेयर मॉडल होता है, मतलब जैसे आपका OSI रेफरेंस मॉडल होता है वो सेवन लेयर मॉडल होता है. सेवन लेयर मॉडल मतलब एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल, ये सारे हो गए. TSP और IP कॉन्सेप्चुअल लेयर कौन कौन सा हो गया, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेरेंस. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखो TSP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इट प्रोवाइड ए कनेक्शन ओरिएंटेड फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स अभी भी वर्ड यूज किया था. व्हाट इज फुल डुप्लेक्स, मतलब दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन वन टाइम पे पास हो सकती है, रिसीव भी हो सकती है सेंड भी हो सकती है. रिलायबल सर्विस विंग IP टू ट्रांसपोर्ट मैसेज ओवर द नेटवर्क. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज UDP, UDP प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस फुल डुप्लेक्स फास्ट सर्विस यूजिंग IP टू ट्रांसपोर्ट मैसेज ओवर द नेटवर्क. तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए. IP आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी भी देखा है, ये यूज होता है ट्रांसपोर्ट करने में मैसेज को ट्रांसमिटर टू रिसीवर. IP एड्रेस इज यूजिंग टू कंप्यूटर टू एड्रेस एनी डिवाइस कनेक्शन ओवर द इंटरनेट. तो मान लो कि अगर गवर्नमेंट को चेक करना है कि आपका फोन है, आपके फोन में कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो कैसे चेक करेगी, आपके IP, आपके फोन का कोई ना कोई IP एड्रेस होता है, और उस IP एड्रेस को अगर वो चेक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये डिवाइस किसके नाम पे रजिस्टर है. तो जैसे मान लो आप किसी व्हीकल की बात करो तो उसका क्या होता है, गाड़ी का नंबर होता है, ऐसे ही आपका फोन का क्या होता है, IP एड्रेस होता है. सो यू शुड नो अबाउट इट. तो जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करोगे तो वो IP एड्रेस से आपकी इंफॉर्मेशन सारे के सारे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन सबके पास चली जाती है. ओके, थैंक यू सो मच सत्यमूर्ति मोहराना जी. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 जो होता है ये 32 बिट का होता है. IP एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स. 4 ऑक्टेट्स कौन से होते हैं, ईच ऑक्टेट कैन रेंज फ्रॉम द 0 टू 255. मतलब जो IP एड्रेस होता है ना उसको हम 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हर एक ऑक्टेट जो होता है वो 0 से 255 तक वेरी करता है. द IP एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो आपने देखा होगा, देखो ऐसे होता है ना IP एड्रेस, 4 डिजिट में होता है ना IP एड्रेस, आपने देखा होगा यहां से लेके यहां तक, ऐसे ऐसे ही तो होता है. आप अपने मोबाइल का फोन खोलना, अपने मोबाइल खोलना, उसमें IP एड्रेस चेक करना, आपका सेटिंग में जाके आपको ऐसे दिखेगा 4 डिजिट. तो इसको नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स दोनों बोलते हैं. नेटवर्क बिट्स जो होता है वो यूज करता है होस्ट नेम टू कनेक्शन वेरियस यूजर ओवर द नेटवर्क. तो नेटवर्क बिट्स आपका काम में आता है किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क को कनेक्ट करने में, होस्ट करने में वेरियस यूजर ओवर द नेटवर्क एरिया. इफ देर आर n बिट्स इन द होस्ट एड्रेस, सो नंबर ऑफ यूजर दैट कैन एड्रेस बाय द नेटवर्क आर 2n-2. ओके, तो कितने टोटल आ जाएंगे, टोटल आपके आ जाएंगे 2n-2. ओके, ऑल जीरो इन अ होस्ट बिट्स इंडिकेट नेटवर्क एड्रेस. जितने भी जीरो आपके होंगे ना वो सारे किसको डिपेंड कर रहे होंगे, होस्ट बिट्स को डिपेंड कर रहे होंगे. और जितने भी वन होंगे ना उस IP एड्रेस में वो सारे ब्रॉडकास्ट के एड्रेस को डिपेंड करते हैं. आपको पता है 0101 में कोडिंग होती है. ओके, हर्ष यादव जी HPCL के एग्जाम की भी तैयारी करो पैरेलली. HPCL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट. ओके चलिए, इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन. ओके,
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या होता है? 6. तो एज द नंबर ऑफ यूजर ओवर द इंटरनेट इंक्रीज द एड्रेस स्पेस इन IPv4 बिकम ए कॉन्स्टेंट सो इंक्रीज द एड्रेस स्पेस फ्रॉम 32 bit टू 120 bit इन IPv6. तो होता क्या जाना था, पास्ट में हम IPv4 यूज करते थे, बट जनरली क्या होगा, जैसे जैसे इंटरनेट के ऊपर जो पर्टिकुलर यूजर है वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ गए तो उसके हिसाब से क्या किया, 32 bit की जगह हम 128 bits यूज करने लग गए और उसको हमने बोल दिया IPv6. ओके, यादव जी उसकी भी क्लास कवर करवाएंगे, डू नॉट वरी. तो IPv6 जो होता है वो ऑफर करता है सिक्योरिटी सर्विस यूजिंग आईपी सेकंड व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन IPv4. तो इसके बारे में आपको बताना होना चाहिए कि IPv6 में आपको सिक्योरिटी सर्विस भी मिल जाती है जो कि IPv4 में नहीं थी. ओके, एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है किसी भी IPv6 में. तो IPv6 के बारे में भी देखोगे तो वो भी यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है और एनीकास्ट होता है. तो यू शुड नो अबाउट इट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. अगला आपका आ जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी, इसका काफी ज्यादा यूज है. देखो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आरोग्य सेतु ऐप आया था, ठीक है, ऐसे वेराइटी ऑफ एप्स आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए. जो डाटा है यूजर का, जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या होता है, काफी सारी चीजें होती है. मान लो आपने फोटो, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं हुई तो आपके बाबू मोना सोना ने आपको फोटो भेजी और पता चले अब वो फोटो अगर सिक्योरिटी नहीं हुई तो कहीं पे भी पहुंच जाएगी, तो दैट्स व्हाई फिर आपके पापा आपको पिटेंगे. सो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी हमें जरूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में. ओके, देन एवरीबडी ओवर द नेटवर्क वांट हिज मैसेज टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क सिक्योरली, देर आर द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी. इट मीन्स वेन एवर द एवरीबडी ओवर द नेटवर्क, जो अगर उसका मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहता है तब वहां पे आपको, कई लोग चाहते हैं ना कि मेरा मैसेज सबके पास नहीं जाना चाहिए, वो उसकी सिक्योरिटी चाहता है, देन ये नेटवर्क सिक्योरिटी काफी यूज होता है क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो प्राइवेसी मेंटेन रखनी होती है, कॉन्फिडेंटल होती है, मैसेज की इंटीग्रिटी बना के रखनी होती है या नॉन रिपीटेशन भी आपका होना होता है. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको बताइए कि अगर मैसेज इसको आप रिलेट कर सकते हो अपनी बेसिक लाइफ से आप इजीली समझ जाओगे. ओके, अगला क्या आएगा, प्राइवेसी क्या होगी. ए पर्सन सीता शुड बी एबल टू सेंड मैसेज टू अनदर पर्सन राम प्राइवेटली. इट मीन दिस मैसेज टू अदर यूजर शुड बी अनटेंजेबल, मतलब वो देख भी नहीं सकते उसके बारे में. मतलब जैसा सीता जो है उन्होंने राम को मैसेज किया. ओके, तो सीता जो कोई पर्सन है वो राम को अगर मैसेज कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो मैसेज जा रहा है वो प्राइवेट होना चाहिए, किसी तीसरे आदमी के पास वो मैसेज नहीं जाना चाहिए. ओके, सो दैट इज द टाइप ऑफ प्राइवेसी. ऑटो कनेक्ट, ये क्या ऑथोनेस कनेक्शन क्या होगा, आफ्टर द मैसेज इज रिसीव बाय द राम ही शुड बी शेयर द मैसेज हैज बीन सेंड बाय नोबडी एल्स एक्सपेक्ट सीता. तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसमें वो मैसेज को शेयर भी नहीं कर सकते हैं. देखो कई जैसे व्हाट्सएप वगैरह में तो क्या कर सकते हो आप, एक मैसेज को दूसरे मैसेज को शेयर कर सकते हो, बट कई जगह ऐसी सिक्योरिटीज होती है जहां पे जो मैसेज अगर रिसीवर के पास पहुंच गया तो वो रिसीवर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आगे शेयर वो नहीं कर सकता. कई ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जहां पे ये चीजें होनी होती है. इंटीग्रिटी क्या आएगा, राम शुड बी श्योर दैट द मैसेज इज नॉट टेम्पर्ड. तो यहाँ पे राम भी श्योर करना चाहिए कि जो मैसेज है उसको अच्छे से उसको समझ में आया है और वो उसको आगे उसको क्या करे, आगे उसको रॉन्ग मैनर में इंटरप्ट ना करे, उसकी इंटीग्रिटी बना के रखे. नॉन रिपीटेशन क्या होता है, राम शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ लेटर स्टेज दैट मैसेज वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सीता. तो ये क्या हुआ, ये राम जैसे डबल टिक लगा दिया व्हाट्सएप में आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैसेज उसको रिसीव्ड हो गया. ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट. तो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. ये कौन सी टेक्निक होती है कि जो मैसेज होता है वो सिक्योर होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड मेक मैसेज इम्यून टू हैकर्स. तो मतलब जो भी मैसेज होगा ना वो क्या होगा, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो हैकर्स से उसको बचाए. आपने हैकिंग मूवी भी देखी होगी, हैकर्स की मूवी आई थी, तो वो क्या होगा, मैसेज वगैरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही से रहे, उसको लीक ना करे. ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट. अगला क्या आएगा, इट प्रोवाइड एस ए प्राइवेसी इन द नेटवर्क. तो ये क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर प्राइवेसी भी प्रोड्यूस करेगा. नंदमा जी अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, दो वीडियो बना दिए मैंने पूरा, आपको ICT कंप्लीट कर दिया है, जो मेजर मेजर पॉइंट है वो आपको बता दिए. डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि आप सोचो GS के कम से कम 10-12, 8-9 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, फिर टेक्निकल के 17-18 सब्जेक्ट हो जाएंगे. इतने सारे सब्जेक्ट में अगर आप डिटेल में इन पे रिसर्च करोगे ना, आपका सिलेबस एक साल तक भी पूरा नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन कवर होने चाहिए. मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा. ओके,
चलिए, इट इज अ टू टाइप. अब देखो क्रिप्टोग्राफी टू टाइप की होती है, एक बोलते हैं हम सिस्टम की क्रिप्टोग्राफी, एक बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. अब दोनों का क्या मतलब है, देखो सिस्टमेटिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब सारी की सारी जो चीजें जो होती है वो सिस्टमेटिकली होगी, एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मतलब सारी की सारी चीजें जो होगी सिमेट्रिक वे में होगी, सिस्टमेटिकली होगी, एसिमेट्रिक मतलब वो एसिमेट्रिक होगी. ओके, सो द अदर सर्विस लाइक ऑटो कनेक्शन, इंटीग्रिटी, नॉन रिपीटेशन आर प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर. ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. ओके, तो मान लो कि ये आपका कोई भी मैसेज है, ये आपका की हुआ, ये मैसेज इनकोड हो गया, इनकोड मैसेज यहाँ पे आया, फिर वापस की हो गया, फिर वापस मैसेज हो गया. मतलब अगर बीच में जो मैसेज आ रहा है ना, क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, ये जो मैसेज है वो डिजिटल फॉर्म में जाएगा पूरा, एंड अगेन यहाँ पे जो की होगी उसके वापस से वापस वो अनकोडेड फॉर्म में आ जाएगा. मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मान लो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया तो मैसेज थोड़ी जाएगा आगे, वो किसी ना किसी इनकोड में हो जाएगा, लैंग्वेज में इनकोड हो जाएगा, अगली बार जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वापस वो डिकोड हो जाएगा की के माध्यम से. यू शुड नो अबाउट इट. ओके, चलिए. ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट. नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट हम देखेंगे इफ बोथ की आर पब्लिक देन दैट इज द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. अगर मान लो दोनों साइड की जो की है वो पब्लिक है, मतलब मान लो ऐसा होता ना कि इधर गवर्नमेंट है और अदर अगर पब्लिक है, तो इधर की जो की होगी वो तो प्राइवेट होगी गवर्नमेंट वाली, इधर वाली की जो होगी वो पब्लिक होगी. सो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. लेकिन अगर मान लो दोनों साइड की जो की है वो क्या है, पब्लिक है, दोनों साइड की पब्लिक रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए. कई जगह पे फायरवॉल वर्ड यूज हुआ था, तो इस टर्म्स को भी मैं बता देता हूँ. फायरवॉल यूज एज ए इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मेजर डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू ए नेटवर्क. मतलब कोई भी जो नेटवर्क है ना, मान लो अनअकेडमी प्लस है, तो अनअकेडमी प्लस को वही स्टूडेंट देख सकता है जो अनअकेडमी प्लस का स्टूडेंट है, मतलब दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता. तो ये फायरवॉल क्या करती है, रजिस्ट कर सकती है, रजिस्ट करती है अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस किसी भी उस नेटवर्क में आने से. तो फायरवॉल इज सिमिलर टू द वॉल यूज्ड टू प्रिवेंट फायर इन ए स्पेसिफिक बिल्डिंग. मतलब आपके मान लो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, आपके घर के ऊपर एक आप क्या करते हो, एक वॉल बना देते हो जिससे बाहर का जो पर्सन है वो बिना परमिशन के अंदर ना आए. अगर वॉल बड़ी है तो नहीं आएगा वैसे, तो आप जैसे लंगूर क्या करेंगे, कूद के आ जाएंगे कई लोग तो. ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट. तो फायरवॉल ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी कोई फायरवॉल होगी जो रजिस्टर करेगी अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उसके अंदर आने के लिए. तो फायरवॉल की पॉलिसी क्या क्या होती है, देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. देखो आप आईपी एड्रेस किसको एक्सेस देना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन लेवल आपका पेलोड होता है. तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ओके, तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. वेरियस पॉलिसी यूज बाय फायरवॉल इंक्लूड क्या करेगी, टीएसपी हो गया, यूडीपी हो गया, ये सारे के सारे आपके फायरवॉल को रजिस्टर करते हैं. देखो दोस्तों, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस है ना, उसके अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे ना, तो आपके इस आईसीटी को पढ़ते पढ़ते 3 साल हो जाएंगे. रिसर्च एरिया है ये, पूरा पूरा सब्जेक्ट ब्रांचे होती है इसकी, ठीक है. एमटेक में ब्रांचे होता है, पूरा आईसीटी जैसे चीजों को पढ़ाया जाता है, ठीक है. लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस देना है. तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब वेराइटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम होती है तो वहां पे इनसे रिलेट करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो मैं आपको काफी सारे आईसीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. यू आर नो अबाउट इट कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, यहाँ तक आपके सारी चीजें कवर हो गई है. सो बेसिकली दोस्तों, हमने आज का जो वीडियो लेक्चर है, हमने काफी सारी चीजें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें कवर की है आईसीटी से रिलेटेड. अप्रोक्सीमेटली दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर है, कल मैंने 1 घंटे और 15 मिनट का वीडियो लेक्चर लिया था, आज मैंने 1 घंटे का वीडियो लेक्चर लिया था. सो वी विल डेफिनेटली 2 आवर्स और 15 मिनट में आपका क्या आएगा, चलिए. सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या जाएगा, चलिए. तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, जो ब्रॉडकास्ट चैनल जो है यहाँ पे बेसिकली आपको, मैंने बताया था कि कोई भी जो ट्रांसमीटर है वो मैसेज को अगर सेंड करता है, ये आपको डिटेल में हो गया. सो बेसिकली दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 घंटे 15 आवर्स का आपका, 2 घंटे 15 मिनट का आपका टोटल आईसीटी कवर हो गया है. ओके दोस्तों, ऐसे ही अगर मान लो जीएस के हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे ना, तो 40 से 50 घंटे के लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है. 10 सब्जेक्ट अगर हम जीएस के कवर कर रहे हैं, 8 से 9 अगर डिटेल में 10 भी करेंगे, तो देट विल बी कवर अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 आवर्स का आपका कोर्स बन जाता है, जिसको अगर आप पढ़ते हो, बार बार रिवाइज करते हो. अब देखो आपको क्या करना है, जो भी करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है ना, वो आईसीटी से रिलेट करती हुई है, जो पिछले 3 सालों में 4 सालों में हुई है. जैसे मान लो माइग्रेशन, माइग्रेशन ऐप आया है, या गवर्नमेंट ने कुछ इसमें स्कीम लगाई है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कई एप्स पे बैन लगा दिया था, ठीक है. तो कई एप्स पे बैन लगाते हैं, इन सबसे ये सारे आईसीटी से रिलेट है. मतलब
गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आ रही है, ई मित्रा, ये सारों को आपको रिलेट करना है किससे, आईसीटी से. ओके, तो देन यू आर एबल टू सोल्व द इंजीनियरिंग सर्विसेज जीएस क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आईसीटी है इसका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको हर एक टर्म्स मैंने बता दिए. अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा करंट अफेयर से टच में रहना है, आईसीटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा, सो देट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, आयुष कुमार जी, जो गेट की रिवाइज आंसर की है वो आपके 2 से 3 डेज में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, चलिए. सो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वो मैं अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. वहां पे आपको अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे इसको आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से इसका पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हो. ओके, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा एंड आपने अच्छे से इस चीज को कवर किया. सो यू शुड वर्क हार्ड एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से मेंटेन रखिए. ओके, एंड डेली प्रैक्टिस करिए, दैट विल मेक यू द लॉट्स ऑफ गुड थिंग आपके करियर में बनेगी. ओके, डू नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव एनर्जी, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एनर्जी टू. ये जो बोथ लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ आपको अनअकैडमी कुलदीप से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड इट एंड टेक एडवांटेज ऑफ इन योर प्रिपरेशन. ओके, चलिए. सो राजकुमार यादव जी, देखो मैं इन चीजों के डिटेल में अगर जाता ना, जैसे टीएसपी यूडीपी एड्रेस को डिटेल में जाता, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है. आपको इनके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ये ज्यादा डिटेल में अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आईसीटी से रिलेट करते हुए चीजें पढ़नी है. ऐसे तो फिर आप एक आईसीटी फायरवॉल्स के ऊपर भी पीएचडी कर सकते हो. सो अगर आपको एग्जाम निकालना है, डू नॉट डू अ पीएचडी. ओके, पीएचडी नहीं करना है आपको, यू शुड फोकस ऑन योर करियर. ओके, दोनों पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा. अगर आपको ये जीएस का कोर्स अच्छा लगा तो अगर आप चाहोगे तो मैं दूसरे सब्जेक्ट भी आपको कवर करवा दूंगा जीएस के. हर एक वीक में एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, जैसे आप आने वाला जो वीक होगा, अगले एक वीक के बाद में एक और सब्जेक्ट कवर कर देंगे. ओके, सो अगर आप लोग एग्री करोगे सो आई विल टेक इट. ओके, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए. तो जो आग आपके अंदर जलती है उसके अंदर क्या है, जो आग आपके अंदर जलती है उसको बुझाने के लिए, पानी डालने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे. You should work hard and make your parents proud. Okay. Let's see guys. Take care and मिलते हैं रात को 8 बजे. रात को 8 बजे आपका एप्टीट्यूड की क्लास चलती है. रात को 6 बजे आपका एमसीक्यू टेस्ट चलता है. रात को 10 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटी का मॉक टेस्ट चल रहा है. So you can take a part on that. Good luck guys. Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. मैक्सिमम स्टूडेंट आ चुके हैं.